consolidated account statement. Very important. CAS, consolidated account statement. So consolidated account statement includes what? Details of all the transactions. What? It includes details of all the transactions done by investors. जो भी इन्वेस्टर्स ने ट्रांजेक्शन किया उसका पूरा डिटेलिंग होगा. ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना पेड किया उसने डिस्ट्रीब्यूटर को, दैट इज ट्रांजेक्शन चार्जेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर. एंड इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, व्हाट? एंड इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो होल्डिंग एट द एंड ऑफ द मंथ. और इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या है एट द एंड ऑफ द मंथ. जितने भी स्कीम है अक्रॉस ऑल स्कीम ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड, राइट? सिंपल पहला पॉइंट क्लियर है सबको कि इट इंक्लूड्स व्हाट? डिटेल ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन डन बाय इन्वेस्टर्स, मैन, राइट? इन्वेस्टर्स, डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन डन बाय इन्वेस्टर्स. एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस, व्हाट एवर ट्रांजेक्शन चार्जेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स. एंड इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है इन्वेस्टर्स का, कितना वो पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ. दैट्स इट. अक्रॉस ऑल स्कीम ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड, ये तो कॉमन है. अक्रॉस ऑल स्कीम ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड, ठीक है. सेकेंडली क्या बोलता है, जो भी सी एस होगा याद रखना वो इश्यूड होता है एवरी हाफ ईयरली सी एस इश्यूड होता है. वो आपके होल्डिंग का क्या करता है बेटा, आपका कितना होल्डिंग है डिटेल करता है. मतलब मीन्स सी एस इश्यूड एवरी हाफ ईयरली, नॉर्मली सेप्टेम्बर मार्च. फाइनेंशियल ईयर बताया मैंने 1 अप्रैल to 31 मार्च. तो 1 अप्रैल to 30 सितंबर पहला हाफ ईयर, फिर 1 अक्टूबर to 31 मार्च सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है. तो दिस सी एस इश्यूड एवरी हाफ ईयरली Detailing holding at the end of 6 months. Detailing what? Holding at the end of the 6 months across all scheme of all mutual funds. To whom? All such investors in whose folios no transactions has taken place during that period. बराबर है? तो CS issued होगा every half yearly. जो detailing मतलब जो बताएगा कि कितना holding है at the end of 6 months. बराबर है? इन्वेस्टर्स का होल्डिंग क्या है अक्रॉस ऑल स्कीम ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड. अभी जिसने पहले खाली इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, उसके फोलियो में कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है, उसको भी इशू, उसको इश्यू हो जाएगा, राइट? सी एस इशूड होगा, राइट? क्लियर? तो वही बोल रहा है कि टू ऑल सच इन्वेस्टर्स इन हूज फोलियोज नो ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो उनको भी इशू होना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है. तो सी एस इशूड याद रखना एवरी हाफ ईयरली. CS issued every half yearly, that is September and March. पहला half year कभी खत्म होगा financial year का? September, 30th September, second, 31st March. जो detail करेगा, detailing holding or holding, detailing what? Holding at the end of 6 months. Detailing what बेटा? Holding at the end of 6 months. याद रखो, ठीक है. और सबसे main है बेटा CAMS, CAMS याद रखना, CAMS. आपको जो भी डिटेल चाहिए आपके ट्रांजेक्शन्स का, आपके पोर्टफोलियो का, कैम्स की साइट पे जाओ, बराबर है? सब आ जाएगा, सब आ जाएगा. आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल स्कीम ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड सब आपको कैम्स के साइट पे मिल जाएगा. मालूम पड़ा? अभी आपके पास मोबाइल होगा, गूगल होगा, राइट है? उसमें गूगल पे डालो कैम्स. कैम्स डालोगे, जैसे देखो सी, मैं बताता हूँ एक बार. सी, फर्स्ट कैम्स याद रखना, कैम्स का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. क्या? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज कैम्स, प्रोवाइड दिस. ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो पढ़ रहा है वो कौन प्रोवाइड करता है? कैम्स. कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय कैम्स, दैट इज कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रोवाइड दिस, राइट? इन्वेस्टर्स ऑल इन्वेस्टमेंट डिटेल, इधर क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स है उसका ऑल इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एट वन प्लेस होता है. इन्वेस्टर्स ऑल डिटेल मतलब जो भी डिटेल है उसके इन्वेस्टमेंट का, ऑल इन्वेस्टमेंट डिटेल एट वन प्लेस. सो याद रखना कैम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड करेगा. कैम्स की साइड पर जाओ, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, पूरा रिकॉर्ड रहता है इसके पास आपके इन्वेस्टमेंट्स का, राइट है? एक ही प्लेस पे सारे इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है. क्लियर? तो ये याद रखना कैम्स, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये नाम याद रखना, राइट? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ओके. सो मैं अभी आपको इधर दिखाता हूँ गूगल पे, ट्राई करता हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है.
तो बच्चा लोग अभी जैसा मेरे कैम्स का बताया आपको, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, क्या करो डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, क्या करो गूगल पे जाओ, ठीक है, सिर्फ क्या करना है आपको कैम्स पुट करना है, कैम्स, ठीक है, स्कैम नहीं, कैम्स, कैम्स डालो, दिख रहा है, अब ये कैम्स आ गया इधर, राइट, अब क्या कर रहा है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये दिख रहा है आपको कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट, कैम्स क्लिक मारो, आ गया, आ गए आप उसके वेबसाइट पे, आ गए हो, कैम्स EKYC एवरीथिंग इज देयर, ऐसा आएगा EKYC इन 2 मिनट्स, आजकल तो वही है सब कुछ 2 मिनट्स में ही होता है, बराबर है, फिर इसमें किधर जाने का, दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन शेयर हो रहा है, बराबर, ओके, चलो अब बच्चा लोग अगर आपको ये दिख गया है, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करने का, इधर आ गए ना, बराबर है, उसके बाद इन्वेस्टर सर्विस दिख रहा है आपको, देखो सब दिख रहा होगा, इन्वेस्टर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट है, RIA सर्विसेस, रिया सर्विसेस, AMC सर्विसेस, कैम्स विवेका, कैम्स ब्लॉग, कैम्स वीडियो, राइट है, एवरीवन कैन सी दिस स्क्रीन, ओके, एबल टू सी इट ना प्रॉपरली, यस, ठीक है, तो ये देखो ये हो गया अपना, बन गया, डायरेक्टली आ गया इधर कैम्स का, तो डायरेक्टली गूगल है ना, गूगल पे जाओ, टाइप करो, फिर इन्वेस्टर सर्विसेज में आ जाओ, इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर ही हो ना, इन्वेस्टर सर्विस में आ जाओ, आ गए कि नहीं, ठीक है, अब इधर जो भी डिस्क्लेमर दिया है वो देख लेने का, एक बार रीड कर लेने का, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ यूज आर अपडेटेड एंड इन इफेक्ट फ्रॉम 18 जनवरी 2019, प्लीज रीड द टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो सब पढ़ो, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए तो एक्सेप्ट करो, नहीं होता है तो डिक्लाइन कर दो, तो चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और प्रोसीड, ठीक है, एक्सेप्ट किया और प्रोसीड कर दिया, किया ना, अब देखो आपके सामने आ गया, सब आ गया, हाउ कैन वी हेल्प यू, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट दिख रहा है ना आपको, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट चाहिए, सर्विस रिक्वेस्ट, सपोर्ट, ऐसे आपको सब मिलते जाएगा, ठीक है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो आप ऐसे क्लिक करके दिखा सकते हो, ठीक है, आप अपना जो भी है चेक कर सकते हो, राइट है, और जितना भी है देखो, अदर म्यूचुअल फंड सर्विसेज, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है, ऑल डिटेल्स, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एट वन प्लेस सब कुछ रहेगा, और जो भी आपको इन्फो लेना है यहाँ से मिल जाएगा आपको, नो वरी, समझा, मन पड़ा कि नहीं, क्लियर, तो ऐसे आप क्लिक करके आगे सब अपना प्रोसीड कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, अभी जैसे मैंने क्लिक किया इधर CS, राइट है, देखो CS दिख रहा है, क्या है CS, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो है वो आखिर है क्या, क्या है ये CS, कैम्स प्लस के फिनटेक, ठीक है, ये CS अभी तो बताया मैंने, अभी पढ़ाया ना, वही यूज कर रहे हो आप लाइफ में, ये दिख रहा है, ये ऊपर ये कैम्स दिख रहा है, आर मिशन योर ग्रोथ, आर मिशन योर ग्रोथ, यस, ठीक है, कैम्स दिख रहा है, इसका लोगो भी सेम वैसे ही बना ना, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, ओके, वो अपना देख रहे हो, ये चार्ट ऐसा दिया है, मतलब भाई देखो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब देखो इधर, ठीक है, क्या ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा है, अपना पोर्टफोलियो को ट्रैक भी कर सकते हो आप, समझे, तो कैम्स है CS, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, बराबर, तो ऐसे ही आप डायरेक्टली कर सकते हो बेटा, बराबर है, ऐसे ही आप जाके पूरा, अभी देखो CS, कैम्स सब दिया है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, अब ये कैम्स क्या है, ये RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं आपको, फर्स्ट चैप्टर में याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में, बराबर, उसमें पढ़ाया कि नहीं, RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बराबर है, नहीं याद है तो पढ़ लो उसको, बराबर है, इंटरनल एग्जाम में आने वाला है, ओके, सो ये कैम्स क्या है आपका, RTA, सो डायरेक्टली दिया, कम टुगेदर टू प्रोवाइड अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, दिख रहा है, ये आ गया ना, आ गया कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, के फिनटेक भी है, प्लस FTMIL हैव कम टुगेदर, ये लोग साथ में मिलके आए, अभी देख लो, समझो, CS, कैम्स प्लस के फिनटेक प्लस FTMIL, ये सब साथ में मिलके आए टू प्रोवाइड व्हाट, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट
एंड दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स होल्डिंग अक्रॉस फंड सर्विस बाय ऑल द आरटीएस. समझा? अभी ये डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, प्रैक्टिकल समझे कि नहीं, जो करते हैं रियल लाइफ में वो देख रहे हो, और जो आप थियरी भी पढ़ रहे हो वो सब रियल लाइफ से ही बनाया मैंने, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब वही सब है. बट यहाँ आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, ऐसा करते हैं हम लोग. उसके बाद जो भी है डायरेक्टली देखो, फिर आपको स्टेटमेंट टाइप क्या चाहिए उस पर क्लिक कर देने का. समझा? क्या स्टेटमेंट टाइप चाहिए? समझो आपको स्टेटमेंट टाइप चाहिए इधर समरी, ठीक है, ओनली बैलेंस एंड वैल्यूएशन, या डिटेल्ड. ठीक है, अब डिटेल्ड में आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, प्रीवियस का चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड चाहिए, वॉट एवर. ठीक है, समरी चाहिए तो समरी पे आ गए, राइट. अब उसके बाद आपको डायरेक्टली एज ऑन कभी का चाहिए, 17 फेब, आज क्या है, 17 फेब ही है ना, ठीक है, मालूम पड़ा. फोलियो लिस्टिंग देख लो, ईमेल डाल दो अपना, पैन नंबर डाल दो, पासवर्ड जो भी है वो बना के सबमिट कर दो, खत्म. सबमिट कर दो, आपको सब मिल जाएगा, तो करने का ये. लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट रहेगा वही करना भाई, समझा. जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो मत करना, कुछ आएगा नहीं, राइट. मालूम पड़ा, मैसेज आ जाएगा, नो इन्वेस्टमेंट सो व्हाई यू आर डूइंग दिस, ऐसा नहीं आएगा मैसेज, डोंट वरी. ठीक है, तो ऐसे आप कैम्स की साइट पे जाके अपना CAS देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपना की, मतलब योर ऑल इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एट वन प्लेस है, उसको आप रिव्यू कर सकते हो, एवरीथिंग. समझ गया? ये एकदम प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो गया आपका, किससे, प्रैक्टिकल. ओके, तो वैसा करके आपको फिर मेल आ जाएगा, मेल पे जाके चेक करने का, खत्म. ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ. क्लोज, आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पे. ठीक है, तो याद रखना. ओके, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मालूम पड़ गया बेटा. तो कैम्स ये सर्विस प्रोवाइड करता है, और आपने एक नया क्या देखा, नया मतलब इसमें नहीं लिखा है लेकिन याद रखो, देखा ना प्रैक्टिकल में, उसके साथ फिनटेक भी है, FTMIL भी है, देखा ना आपने, राइट. तो वो भी याद रखो, वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, सब नॉलेज लिख सकते हो ना बेटा. ठीक है, और ये सब RTA एजेंट है. तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दिस अकाउंट स्टेटमेंट, दैट इज कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टर्स. इसमें क्या रहेगा, इन्वेस्टर्स ऑल डिटेल्स एट वन प्लेस. ओके, तो जैसा मैंने बोला, अभी कैम्स जिसका भी इन्वेस्टमेंट है वो कैम्स की वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो, चेक करो, अपना स्टेटमेंट देखो. उसके लिए आपको फिल करना पड़ेगा, अपना जो भी पासवर्ड है वो डाल लो, जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप ईमेल देखो, वो आपके ईमेल पे आ जाएगा. ठीक है, नोट इट, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, दैट्स इट. क्लियर, मालूम पड़ गया. तो ये था बेटा बेसिक इंफॉर्मेशन, CAS, मेजरिंग रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड. In this point, one must compare the scheme return as against its benchmark return. देखो कोई भी है वो compare करता है scheme returns को, उसके खुद के scheme returns जिसमें उसने invest किया है, against its benchmark. एक benchmark return होता है, उससे compare करता है ये कि भाई वो जो benchmark return है उससे कितना मुझे मिल रहा है, right? अभी benchmark return जो भी है समझो 12% है, तो मुझे कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, या 15, 13, 20, कितना मिल रहा है. सो वन मस्ट कंपेयर एंड एवरीवन हैव टू कंपेयर दिस, एवरीवन शुड कंपेयर. कंपैरिजन नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं यार, याद रखो. कंपैरिजन ही इंप्रूवमेंट को मोटिवेट करता है. सोचो एक लाइन है, कंपैरिजन करेगा तो उससे इंप्रूवमेंट भी मोटिवेट होता है, भाई मेरे को इंप्रूव करना है, बड़ा कि नहीं. तो इंप्रूवमेंट मतलब कोई बंदा नहीं है, उस खाली ऐसा समझने के लिए बताया. सो वन मस्ट कंपेयर द स्कीम रिटर्न एज अगेंस्ट इस बेंचमार्क रिटर्न. सबको अपना रिटर्न कंपेयर करना चाहिए स्कीम का रिटर्न एज अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क. बेंचमार्क रिटर्न क्या है, इट इज बेटर टू बी रिड ऑफ फ्रॉम दो स्कीम. और हमेशा याद रखो, ये बेटर होगा कि आपको ऐसी स्कीम से निकल जाना चाहिए जो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है. व्हाट, जो कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है बेटा, अंडर परफॉर्म. अगर कोई स्कीम कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मत रहो वो स्कीम में, डोंट बी देयर, डोंट बी इन स्कीम, इन दो स्कीम. समझा? सो हमेशा याद रखना, इट इज बेटर टू रीड ऑफ फ्रॉम दो स्कीम दैट कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, याद रहेगा ना. तो हमेशा याद रखो कि जो स्कीम अंडर परफॉर्म कर रहा है, अरे भाई निकल जाओ यार उधर से. अब लेकिन कंसिस्टेंटली अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो
बराबर है, कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो की बात कर रहा हूँ, राइट है अनुपड़ा, उसके लिए आपको थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो स्कीम में तो अंडर परफॉर्म होता ही है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं, वो टेम्पररी होता है, फिर उसके बाद बाउंस बैक करता है, राइट। वैसा नहीं, कंसिस्टेंटली जो अंडर परफॉर्म कर रहा है ना, वहां से निकल जाओ यार, बराबर है अनुपड़ा कि नहीं, राइट। वहां से क्या करो, निकल जाओ। आगे क्या बोल रहा है, वाइल कैलकुलेटिंग रिटर्न्स, क्या वाइल कैलकुलेटिंग रिटर्न्स इन्वेस्टर शुड ऑल्सो लुक फॉर एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्सेस एप्लीकेबल। कॉमन सी बात है, देखो अभी जब आप रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे ना रिटर्न्स, तो हमेशा याद रखो एक्सपेंस रेशियो को कंसिडर करो। इन्वेस्टर शुड ऑल्सो लुक फॉर एक्सपेंस रेशियो, क्या एक्सपेंस रेशियो है, क्या टैक्सेस है, क्या टैक्सेस लग रहा है, बराबर है, वो टैक्सेस भी उस पर क्या एप्लीकेबल है, वो सब देखो, वेदर इट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी जो ब्रोकरेज सर्विसेज रहती है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है, वो भी तो आपका जाता है ना, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं। तो जो भी है, वाइल कैलकुलेटिंग रिटर्न्स इन्वेस्टर शुड ऑल्सो लुक फॉर एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्सेस। एक्सपेंस रेशियो क्या है, देखो एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा रहेगा तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, टैक्सेस तो लगता ही है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सो वाइल कैलकुलेटिंग रिटर्न्स इन्वेस्टर शुड ऑल्सो लुक फॉर एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्सेस एप्लीकेबल, कॉमन पॉइंट। एंड इन्वेस्टर शुड हैव पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस मैन, पेशेंस, राइट है। सो इन्वेस्टर शुड ऑल्सो हैव पेशेंस एंड अलाउ रीजनेबल टाइम फॉर द स्कीम टू जनरेट रिटर्न। देखो इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गिर रहा है, देखो कंसिस्टेंटली गिरना, कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करना और टेम्पररी अंडर परफॉर्म करने में बहुत फर्क होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, याद रखना, समझा। तो अगर वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली, उसके लिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, देखना है, रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है, तो आप वहां से रिड ऑफ हो जाओ, गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट सिक्योरिटीज या दो स्कीम्स, राइट। सो इन्वेस्टर शुड हैव पेशेंस एंड अलाउ रीजनेबल टाइम उसको देना चाहिए फॉर स्कीम टू जनरेट रिटर्न। पेशेंस रखो, ठीक है, अब वो थोड़ा नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, राइट। तो थोड़ा अगर वो स्कीम अच्छी है तो उसमें आप पेशेंस रखो, पेशेंस बना के रखो, होल्ड करो और उसको दो रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम दो, राइट, टू अलाउ या टू जनरेट व्हाट रिटर्न्स, समझा। तो पेशेंस एंड अलाउ रीजनेबल टाइम। Investor should review the schemes. What? Here, investor should review the scheme risk-adjusted return. यहाँ investor को क्या करना चाहिए? Should review the scheme's risk-adjusted return. अभी वो scheme का risk-adjusted return कितना है? वो भी review करना है. That is a measure to find how much return an investment will generate given the level of risk associated with it. देखो इन्वेस्टर को रिव्यू करना है स्कीम्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड कितना रिस्क है उसमें, लेवल ऑफ रिस्क कितना है, उसके बेस पे वो कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। सो दैट इज अ मेजर टू फाइंड हाउ मच रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट विल जनरेट, हाउ मच रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट विल जनरेट गिवन द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इट। कितना लेवल ऑफ रिस्क उसमें है, उसके बेस पे वो कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, दैट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो वो भी रिव्यू करना है। सो दीज ऑल आर व्हाट मेजरिंग रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए आपका पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है बेटा, राइट। सो देखा, तो डायरेक्टली पॉइंट्स याद रखो, कंपेयर मींस मेजरिंग रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड्स में क्या हो गया बेटा, कंपेयर द स्कीम रिटर्न एज अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क, पॉइंट्स देखो, एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्सेस एप्लीकेबल है वो भी देखना है, रिटर्न्स कैलकुलेट करते टाइम इन्वेस्टर शुड हैव पेशेंस एंड अलाउ रीजनेबल टाइम, patience and allow reasonable time and risk adjusted return, yaad rakhna risk adjusted return, right, kya investor should review the scheme's risk adjusted return, okay, so these all the points are very important, clear, ye aapke mind mein fix rakhna, sare point bahut important hai, main is point bana ke rakha hai maine idhar, to measuring return of mutual fund mein ye sari cheeze apne ko dhyan deni padti hai, that's it। Ways by which returns can be realized in mutual fund. अब mutual fund में return कैसे मिलता है? या तो dividend and interest form में, capital gains मतलब आपका जो investment का value appreciate हो गया, तो normal सी बात है, अगर आप appreciate हो गया उसको बेच दोगे तो capital gain हो जाएगा, और profits from higher NAV,
आपका एनी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फंड्स असेट इंक्रीजेस द एनएवी ऑफ द फंड, तो इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग बैक देयर यूनिट्स टू फंड हाउस. ठीक है, अभी हायर एनएवी हो गया तो नॉर्मल सी बात है आपको बेनिफिट होता ही है, दैट्स इट, बराबर है. वो फिर से वो अपना फंड हाउस को दे देंगे, उसके बेस पे आपको हायर एनएवी के बेस पे प्रॉफिट मिलता है, राइट. सो डिविडेंड इंटरेस्ट हो गया कैपिटल गेन्स. इफ द फंड सेल सिक्योरिटीज दैट हैव एप्रिशिएटेड इन वैल्यू इट अर्न्स कैपिटल गेन, बराबर है. मालूम पड़ा जो एप्रिशिएट हो गया उसको बेचेगा तो क्या होगा, कैपिटल गेन्स होगा, नॉर्मल सी बात है, और हायर एनएवी होगा तो प्रॉफिट होना ही है. तो ये तीनों कॉमन चीज है जिसमें कैपिटल गेन्स और प्रॉफिट फ्रॉम हायर एनएवी, याद रखो इसमें सिमिलैरिटी बहुत होती है, क्योंकि एनएवी हायर होगा तो फाइनली अगर म्यूचुअल फंड हाउस बेचेगा तो कैपिटल गेन होना ही है. तो याद रखना वेज बाय विच रिटर्न्स कैन बी रियलाइज इन म्यूचुअल फंड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कैपिटल गेन्स है, बराबर है, और प्रॉफिट फ्रॉम हायर एनएवी, बराबर है. आपके इन्वेस्टमेंट का जो यूनिट्स का एनएवी बढ़ रहा है, भी एनएवी बढ़ रहा है, एनएवी मतलब पता है ना, एनएवी मतलब एक यूनिट का प्राइस, वो बढ़ रहा है. मालूम पड़ा कि नहीं, वो अगर वन यूनिट का प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, एनएवी बढ़ रहा है. हायर एनएवी होगा तो प्रॉफिट होना ही है, दैट्स इट, क्लियर. तो ये कॉमन पॉइंट है, याद रखने का एकदम बेसिक पॉइंट, क्लियर है. इसमें डिविडेंड इंटरेस्ट प्रॉफिट फ्रॉम हायर एनएवी कॉमन एकदम, ठीक है. तो इतना सब लोग रिवाइज करके रखना, अच्छे से स्टडी करके